आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या है, हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि नंबर सिस्टम जो है आपका मेनली टू टाइप्स के नंबर से मिलकर बना हुआ है, जिनमें फर्स्ट होते हैं आपके रियल नंबर और सेकंड है आपके इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं जिनको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब जो आपका रियल नंबर है इसको आप फर्दर डिवाइड करोगे दो पार्ट्स में, जिसमें पहले आपका आता है रेशनल नंबर और दूसरा आपका आता है इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इसमें से जो आपका रेशनल नंबर है उसको आप आगे अगेन डिवाइड करते हो फ्रैक्शन में और इंटीजर में। ठीक है, और इसमें से जो आपका इंटीजर है उसको आप वापस से डिवाइड कर देते हो नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब इसमें दो आपके जो आए हैं, एक आपका फ्रैक्शन, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और इरेशनल नंबर, इसकी जो डेफिनेशन है वो आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब ये एक तरीके से आपका फ्लो चार्ट है, इसमें आप देख सकते हो नंबर सिस्टम को सबसे पहले इन्होंने रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में डिवाइड किया, उसके बाद जो रियल नंबर था उसको अगेन डिवाइड कर दिया रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में, उसके बाद जो रेशनल नंबर था उसको अगेन डिवाइड किया है फ्रैक्शंस और इंटीजर्स में, और इंटीजर्स को अगेन डिवाइड किया है आपका नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स में। अब ये जो इंटीजर्स हैं इनको आप फर्दर आगे डिवाइड करते हो इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, वह आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है ना, रियल नंबर क्या होता है, आपका कॉम्बिनेशन होता है किसका, रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। जैसा कि यहाँ मैंने फ्लो चार्ट में दिखाया हुआ है, रियल नंबर क्या है, आपके कॉम्बिनेशन है किसका, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। वही बात मैंने सेम डेफिनेशन में लिखी है कि आपके रियल नंबर क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया किसका, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। ठीक है, अब सेकंड डेफिनेशन हम देखते हैं, रियल नंबर किसके कॉम्बिनेशन है, रेशनल नंबर का। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, अब उसके बारे में देखते हैं। रेशनल नंबर आपका क्या होता है, नंबर जिनको आप लिख सकते हो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे, आप वो नंबर जिनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिन नंबर्स को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाएंगे, आपके इरेशनल नंबर कहलाएंगे। इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, अंडर रूट टू, अंडर रूट फाइव, अंडर रूट सेवन। ठीक है ना, आपको याद रखना है कि जब भी आपका अंडर रूट में क्या आएगा, प्राइम नंबर आएगा, वो क्या होगा, आपका इरेशनल होगा। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं ये आगे देखेंगे। पाई, पाई भी क्या है, आपका एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि पाई की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, जो अपन मानते हैं, वो क्या होती है, 22/7, जिसकी डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यू कितनी आएगी, 3.14। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन वो हो गया एक फ्रैक्शन मेनली टू पार्ट से मिलकर बनी होती है, जिसमें वो नंबर जो आपका ऊपर होता है, द नंबर ऑन द टॉप लाइन इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड द बॉटम पार्ट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। मतलब वो पार्ट जो आपका लाइन के ऊपर है वो क्या होगा, आपका न्यूमरेटर होगा, और वो पार्ट जो लाइन के नीचे है उसको क्या बोलोगे आप, डिनोमिनेटर। मतलब एक फ्रैक्शन जो होगी दो पार्ट से मिलकर बनी होगी, उसमें आपका एक क्या होगा न्यूमरेटर और एक क्या होगा आपका डिनोमिनेटर। एग्जांपल क्या हो गया आपका, 3/7, 5/9, 7/10 एंड सो ऑन कंटिन्यू। नेक्स्ट देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। एक इंटीजर जो होता है वो आपका एक होल नंबर होता है। ठीक है ना, मतलब एक आपका फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा, एक ऐसा नंबर जो आपका फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं है, वो क्या होगा, आपका इंटीजर होगा। ठीक है, और इंटीजर क्या हो सकता है, आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। एग्जांपल के लिए -4, -5, -3, -2, -1, ये क्या हो गए, आपके नेगेटिव इंटीजर हो गए, जबकि आपके पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, 5, 4, 3, 2, 1, ये क्या है, आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स में आपके क्या आ गए, नेगेटिव इंटीजर्स आ गए,
नेक्स्ट आपका पॉजिटिव इंटीजर आ गए, और क्या आ गया आपका जीरो का, और क्या आ जाएगा आपका जीरो आ जाएगा। जीरो भी किस में इंक्लूडेड है आपका, इंटीजर्स में इंक्लूडेड है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, जीरो ना तो आपका पॉजिटिव है और ना ही आपका नेगेटिव इंटीजर है। जीरो को अलग से रखा गया है इंटीजर में, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, इंटीजर्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया था हमने, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो। जीरो को अलग से ही प्लेस किया है, ना तो इसको पॉजिटिव इंटीजर में प्लेस किया है और ना ही नेगेटिव इंटीजर में प्लेस किया है। सेकेंड पॉइंट है, जितने भी आपके नेचुरल होल और इंटीजर होंगे, ये सारे क्या होंगे, आपके रियल नंबर होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, जितने भी आपके इंटीजर हैं वो क्या होंगे, आपके रेशनल नंबर होंगे। जैसा कि यहाँ मैंने स्प्लिट किया था रेशनल नंबर को दो पार्ट्स में, पहला था आपका फ्रेशन और दूसरा क्या था आपका इंटीजर। उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट है, देयर आर इन्फाइनाइटली रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, मतलब कोई भी जो आपके दो रेशनल नंबर हैं उनके बीच में इन्फाइनाइट क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में आपके इन्फाइनाइट रेशनल नंबर होंगे, ठीक है ना। अब आगे हम कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने टाइप लिखा है, नंबर्स, नंबर्स के टाइप हैं, नंबर्स के टाइप हैं, यहाँ उनके एग्जांपल हैं और यहाँ उनका सिंबल है कि किस टाइप के नंबर को आप किस तरह के सिंबल से क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स को अपन कहाँ यूज़ करते हैं, काउंटिंग्स में यूज़ करते हैं। जब भी अपन को काउंटिंग करनी होती है तो हम क्या यूज़ करेंगे, नेचुरल नंबर यूज़ करेंगे। और नेचुरल नंबर्स का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, आप एन, मतलब एक ऐसा सेट या नेचुरल नंबर का जो सेट होगा उसको आप किस सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे, एन से रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट आता है आपका होल नंबर। जब नेचुरल नंबर के सेट में आप क्या इंक्लूड कर देते हो, जीरो इंक्लूड कर देते हो, तब जो सेट बनता है वो क्या होता है, आपका होल नंबर का सेट होता है। और उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट आता है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स आपके क्या हो गए, इंटीजर्स मैंने बताया था तीन पार्ट से स्प्लिट, इंटीजर्स को तीन पार्ट में स्प्लिट किया गया है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो, ठीक है। तो इंटीजर्स में क्या आ गए, आपके पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ गए जो क्या है आपके 1, 2, 3, और नेगेटिव इंटीजर्स भी आ गए जो क्या हो गए आपके -1, -2, -3 अप टू -∞। और जीरो भी किस में आ जाएगा, आपका इंटीजर्स में आ जाएगा। और इंटीजर्स का सिंबल क्या है, इंटीजर्स का सिंबल है आपका जेड, ठीक है। अब अगर आपको पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, उसका सिंबल क्या होगा, आपका जेड प्लस। ठीक इसी तरीके से अगर आपको नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसका सिंबल क्या होगा, आपका जेड माइनस। अब जो आपके रेशनल नंबर है, मतलब वो नंबर जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, उसका सिंबल क्या होता है, आपका क्यू। अब इंटीजर्स जो होते हैं आपका, इनको आप फर्दर डिवाइड कर देते हो, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब आप यही देखते हैं कि इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आपके इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं, वो नंबर या वो नेचुरल नंबर जो आपके डिविजिबल होंगे किससे, टू से, उनको आप क्या बोलोगे, इवन नंबर बोलोगे। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। एग्जाम्पल जैसे 2 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, 1 आएगा। क्वेश्चन कितना आएगा, आपका 1 आएगा। जब आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे, जब आपका क्वेश्चन कितना आएगा, 2 आएगा। जब आप 6 को डिवाइड करोगे 2 से, तब आपका क्वेश्चन कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक इसी तरीके से जब आप 8 को डिवाइड करोगे 2 से, तब आपका क्वेश्चन कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब इवन नंबर वो नंबर्स होंगे जिनको जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हैं वो क्या होंगे, आपके इवन नंबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑड नंबर क्या होते हैं। ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या है, ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके ऑड नंबर कहलाएंगे। ऑड नंबर क्या हो गए आपके, जैसे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये वो नंबर्स हैं जिनको आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ऑड नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हैं वो क्या होंगे, आपके ऑड नंबर होंगे,
ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन देखा जाए तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके कितने फैक्टर होंगे, दो फैक्टर होंगे, या नंबर्स विच आर ओनली डिविजिबल बाई वन और इट्सेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। पहला, ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर हैं वो क्या है आपके प्राइम नंबर, या फिर ऐसे नंबर जो दो तरह के दो नंबर से डिविजिबल हैं, पहला वन और दूसरा खुद से, वो क्या कहलाएंगे आपके प्राइम नंबर कहलाएंगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ये वो नंबर हैं जो आपके या तो वन से डिविजिबल हैं या फिर खुद से डिविजिबल हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 2 को कंसिडर करते हो तो 2 क्या है आपका वन से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है, बाकी किसी और से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब रिमाइंडर आपका 0 नहीं आएगा। ठीक इसी तरीके से 3, 5, 7 और 11 ये भी क्या है आपके प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि इनके या तो एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हैं या फिर ये दो नंबर से डिविजिबल हैं, पहला वन और दूसरा खुद से। ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 2 जो है वो आपका अकेला इवन प्राइम नंबर है, ठीक है ना, मतलब जब आप इवन नंबर में देखोगे तो इवन नंबर में 2 आपका अलोन या अकेला क्या है प्राइम नंबर है, बाकी जितने भी आपके इवन नंबर हैं एक भी नंबर क्या है आपका प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब आपको याद रखना है कि 2 आपका अकेला इवन प्राइम नंबर है, ठीक है ना। अब प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6k ±1, मतलब जो भी प्राइम नंबर हैं आपके ग्रेटर देन 3, जो भी प्राइम नंबर आपके ग्रेटर देन 3 से जो बड़े प्राइम नंबर हैं उनको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, उनको आप लिख सकते हो 6k ±1 की फॉर्म में। एग्जांपल के लिए मैंने 5 लिया, 5 क्या है आपका 3 से बड़ा प्राइम नंबर है, इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो 6k ±1 की फॉर्म में। तो 5 को आप क्या लिखोगे, 6 × 1, यहाँ k की वैल्यू मैंने क्या रखी है 1 रखी है, 6 × k, मतलब 6 × 1 −1, 6 × 1 आपका कितना आया 6, उसमें से −1 किया आपका कितना आया 5। तो ये बात सेटिस्फाई हो रही है, या फिर ये वाली जो लाइन है वो प्रूव हो रही है कि जो प्राइम नंबर आपके 3 से बड़े हैं उनको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो 6k −1 या 6k+1 की फॉर्म में। नेक्स्ट प्राइम नंबर था आपका 7, जो क्या था आपका 3 से बड़ा था, उसको आप क्या लिखोगे 6 × 1 + 1, ठीक है ना, k की वैल्यू क्या अगेन आपने 1 लिया, 6 × 1 आपका कितना है 6 प्लस 1 आपका कितना हो गया 7। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि देयर इज टोटल 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, 1 से लेके 100 तक टोटल आपके प्राइम नंबर कितने होते हैं आपके 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें ये आपको याद रखना है 1 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है 15 प्राइम नंबर है, और 50 से लेके 100 तक आपके कितने प्राइम नंबर हैं 10 प्राइम नंबर हैं। जब आप 1 से लेके 100 तक देखोगे तो टोटल कितने हो गए 15 प्राइम नंबर आपके ये आए और 10 प्राइम नंबर ये आए, टोटल कितने हो गए 15 + 10 आपका कितना हो गया 25 प्राइम नंबर, मतलब 1 से लेके 100 तक आपके टोटल प्राइम नंबर कितने होंगे 25 प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है ना। आपको याद रखनी है 1 ना तो आपका प्राइम नंबर है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर है। 1 आपका प्राइम नंबर क्यों नहीं है, 1 आपका प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर होते हैं, जबकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होने चाहिए थे 2, लेकिन 1 के कितने फैक्टर हैं टोटल, एक ही फैक्टर है और वो क्या है 1 इट्सेल्फ या 1 खुद ही खुद का फैक्टर है और कोई नंबर 1 का फैक्टर नहीं है, इसलिए 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्यों नहीं है ये जानने से पहले हम देखते हैं कि आपके कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर नंबर्स विच आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। एग्जांपल के लिए 4, 6, 8, 9 एंड सो ऑन, यहाँ पे जो 4 हैं उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं आपके 3 हैं, क्योंकि 4 जो है वो आपका 1 से भी डिविजिबल है, आपका 2 से भी डिविजिबल है और
फोर से भी डिविजिबल है। सेम इसी तरीके से जब आप सिक्स को देखोगे तो सिक्स के भी कितने फैक्टर हैं, सिक्स आपका वन से डिविजिबल है, सिक्स आपका टू से डिविजिबल है, सिक्स आपका थ्री से डिविजिबल है और सिक्स आपका सिक्स से डिविजिबल है। तो टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने हो गए सिक्स के, फोर। ठीक इसी तरीके से जब आप एट को कंसिडर करोगे तो एट आपका वन से भी डिविजिबल है, एट आपका टू से भी डिविजिबल है, एट आपका फोर से भी डिविजिबल है और एट आपका एट से भी डिविजिबल है। तो एट के भी टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने हो गए, एट। ठीक इसी तरीके से आप नाइन के लिए चेक करोगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे कि नाइन के टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने होंगे और वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट मैं कुछ आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको इनके जो रिप्लाई हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताना है। मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप ये कैसे प्रूव करोगे कि वन आपका एक ऑड नंबर है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ आपको प्रूव करना है कि जीरो आपका एक इवन नंबर है तो आप किस तरीके से प्रूव करोगे। और मेरा थर्ड क्वेश्चन है आज की वीडियो के लिए कि आपको 60 से लेके 80 तक मेरे को बताना है कितने प्राइम नंबर आते हैं और वो प्राइम नंबर आपके कौन कौन से हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज वीडियो में जो मैंने कराया आपको समझ में आया होगा और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।